सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे गोपीनाथ। भक्तों, आज आप सभी दर्शन करेंगे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के, श्री राधा गोपीनाथ जी के वृंदावन धाम में, जो कि वृंदावन का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस वीडियो में आपको राधा गोपीनाथ मंदिर तक जाने का संपूर्ण रास्ता भी दिखाया जा रहा है। जैसा कि हमें मुख्य दरवाजे से अंदर जाते हैं राधा गोपीनाथ के मंदिर की तरफ, जो कि यमुना के घाट पर स्थित है, केशी घाट के बिल्कुल पास में यह मंदिर स्थित है। और राधा रमण मंदिर के से भी इस मंदिर की दूरी लगभग 100-200 मीटर ही है। तो आप सभी यहाँ पर आए और यहाँ के वृंदावन के प्राचीन दर्शनों का आनंद लें। आइए चलते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर, देख ही रहे हैं कितनी प्राचीनता यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो आगे अभी हमें मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर जाना है। आप सभी देख ही सकते हैं कि कितना विचित्र रास्ता है मंदिर के अंदर आने का। तो अभी आगे चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मंदिर का ये जो मुख्य प्रांगण आने वाला है, मंदिर के कुछ हिस्सों के दर्शन यहाँ पर भी होते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर और दर्शन करते हैं राधा गोपीनाथ के। संभव है कि दर्शन ना हो पाए क्योंकि सुबह अभी 7 बजे का समय है और मंदिर खुलने का समय लगभग 8:30 बजे है। तो आप सभी को दर्शन फिर कभी आने वाली वीडियो में करा दिए जाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन अभी करते हैं। राधा गोपीनाथ जी के भी दर्शन आपको हम फोटो के माध्यम से जरूर कराएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर का मुख्य प्रांगण और बहुत ही सुंदर है, हमारे राधा माधव की, राधा गोपीनाथ की रासलीला का दर्शन यहाँ पर होता है। देख ही रहे हैं हमारे युगल सरकार विभिन्न रूपों में यहाँ पर रासलीला के दर्शन हो रहे हैं। आइए चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में और दर्शन करते हैं राधा गोपीनाथ के प्रांगण के। देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर मंदिर है। अभी मंदिर में का कार्य निर्माण पर चल रहा है। बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है और ऊपर से मंदिर में जालियां भी लगाई गई हैं ताकि बंदर आदि ना आए, श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। यहाँ पर मंदिर में तुलसी मैया के दर्शन होते हैं, तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं। और जैसा कि पुजारियों से यहाँ के समय का पता लगा मंदिर का, कि सुबहरे 5 बजे मंगला आरती होती है और सवेरे 8:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास राजभोग आरती होती है और शाम को 6:30-6 बजे यहाँ पर संध्या आरती होती है। रात को 8:30-8 बजे शयन आरती कर दी जाती है और मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे श्री राधा गोपीनाथ जी दर्शन देते हैं और यहाँ पर बड़े विचित्र दर्शन होते हैं, क्योंकि आपको हर मंदिर में हमारी श्यामा जो श्री राधिका रानी श्याम सुंदर के बाई तरफ दर्शन देती हैं, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर के दाई तरफ हमारी राधिका रानी जी दर्शन देती हैं और श्री राधा गोपीनाथ के बाई तरफ दर्शन देती हैं नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी जनाव। दर्शन न होने का कारण आप सभी से क्षमा चाहेंगे। बहुत ही जल्द आपको श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन भी हम करवाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का यह आनंद, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही ब्रिज का आनंद लेते रहिएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी के मंदिर के आप सभी ने दर्शन किए। आप सभी को श्री वृंदावन धाम से जय जय श्री राधे श्याम।